25 जुलाई की शुरुआत में सबका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। कैसे करेंगे, कैसे होगा, पता नहीं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये हो गए निर्बल। नहीं कि बलवान, निर्बल आत्मा हो इसलिए। तो हिम्मत बच्चे मदद बाप, हम हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाते हैं तो परमात्मा मदद करने आ जाते हैं। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो। अनादि मतलब परम धाम, ओरिजिनल जहाँ से हम उतरे थे, ना कुछ लेके आते ना कुछ लेके जाएंगे, वो परम धाम ब्रह्मलोक। अनादि आदि बिगनिंग सतयुग में भी हम देवी देवता जब होते थे, हम आत्माएं, तब हम पवित्र थे। सो आदि अनादि जब हम पवित्र हैं, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी, तो हमारे लिए काम विकार छोड़ना, कामनाएं इच्छाएं लोभ छोड़ना, काम क्रोध लोमो अहंकार छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, परमात्मा कहते हैं, क्योंकि हम वो जी चुके हैं 2500 वर्ष सतयुग त्रेता मिला करके, 1250 1250 2500 वर्ष कोई आत्मा अगर वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हो तो उसको काम विकार छोड़ना कितना आसान होगा। उसने 2500 वर्ष क्रोध ना किया हो, काम वासना ना में ना गरी हुई आत्मा अभिमान ना किया हो, तो उसको कितना आसान होगा छोड़ना। उसने सात्विक खाना, सात्विक अन्न, उसने जन्म जन्मांतर 21 जन्म सतयुग के 12 जन्म, सॉरी सतयुग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म और संगम युग अभी का 20 और 21 जन्म, उसने जब कई बार सात्विक खाना, सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज नॉन वेज छोड़ करके वेजिटेरियन खाना उसने खाया हो, तो उसको कितना टाइम लगेगा। जैसे बाबा का ज्ञान मिला, 7 दिनों में कोर्स किया, फटाफट पहले दिन से सेकेंड डे से अनुभव हुआ और बस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आत्मा रिटर्न होनी शुरू की, मतलब चढ़ती कला। तो परमात्मा कहते हैं कि फिर परमात्मा भी हमें मदद देता है। अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेगी, अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, ताकतवर बन गए, स्मृति आ गई, अरे मैं तो देवी देवता आत्मा थी, 2500 वर्ष मैंने देवी देवता का चोला पहना, मैंने 21 जन्म लेते लेते मैंने, तो फिर मुझे काम वासना की ज़रूरत नहीं है, मुझे लोभ करने की ज़रूरत नहीं है, अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सात्विक अन्न चाहिए, मुझे अपवित्र अन्न खाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू लीव, सारी चीज़ें बहुत आराम से मैं छोड़ सकती हूँ आत्मा। तो निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे, जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते हैं। ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, अरे घर बार में स्त्री नर्क का द्वार है, स्त्री का तन देखने से ही नर्क हमें काम वासना आती है, हम नहीं रह सकते स्त्री के साथ में, हमें भाग जाना है घर छोड़ करके, हम जाएंगे आश्रम में रहेंगे, यहीं हम पहाड़ में रहेंगे, नहीं तो फिर अनर्थ हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम निर्बल नहीं हो सकते। तो निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे, जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज करते हो। हस्बैंड वाइफ, प्रवृत्ति मतलब कि फैमिली पाथ, श्री नारायण श्री लक्ष्मी जैसे अपने अंदर वो संस्कार डेवलप करना परमात्मा की शक्ति से, मेडिटेशन से, ताकि हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हुए श्री नारायण श्री लक्ष्मी ऐसे संस्कार बनाते हुए सोल टू सोल लव, जिसको आज दुनिया बहुत बड़े बड़े वर्ड्स देती है, सोल मेट बोलती है कि बॉडी मेट बोलती है, सोचिए लक्ष्मी नारायण सोल मेट्स थे और आज के बॉडी मेट्स, एक दूसरे के शरीर से आकर्षित होते हैं, और लक्ष्मी नारायण एक दूसरे की आत्मा की सुगंध, उसके मन के विचार, उसके बुद्धि और संस्कार से अट्रैक्ट होते थे, लेकिन आज कलयुग में उल्टा है, तन से अट्रैक्ट होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जब तुम मुझे प्यार करना सीख लेते हो, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, जब हम आत्माएं परम आत्मा जिनका शरीर नहीं है उनको प्यार करना सीख लेते हैं योग में, तो हमारे लिए किसी और अन्य आत्मा के तन से बुद्धि हटा करके उसकी आत्मा को प्यार करना आसान हो जाता है। तो हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हुए एक दूसरे की आत्मा को प्यार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा से प्यार करना सीख लिया। इस कारण से श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे संस्कार आते हैं और हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हुए पवित्र रह पाते हैं। सोचिए जरा कितनी बड़ी बात है। तो प्रमोद कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, सोचते हैं,
ऋषि मुनि, उसको आप अति सहज करते हो। ओम शांति।